तो गाइस हमारे सीएसपी संचालकों को, स्पाइस मनी अधिकारियों को, स्पाइस मनी के जिस नए अपडेट का, जिस नए नोटिफिकेशन का अभी तक बहुत ही बेसब्री से इंतजार था, वह अपडेट, वह नोटिफिकेशन अब बेसिकली आ चुका है। बेसिकली अगर बात करें L0 बायोमेट्रिक मशीन के बारे में, तो L0 बायोमेट्रिक मशीन से रिलेटेड अभी तक अपडेट आप लोगों को केवल पे नियर बाय में देखने के लिए मिल रहा था, लेकिन अब स्पाइस मनी ने भी L0 बायोमेट्रिक मशीन पर अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। अब देखिए क्या प्रतिक्रिया दिया है, क्या अपडेट दिया है पे नियर बाय की तरफ से, ये तो आप लोगों को पता ही है, लेकिन स्पाइस मनी की तरफ से क्या अपडेट है इसके बारे में आप लोगों को यहां पर बताने वाला हूं। और बेसिकली बता दें कि ना ही आप लोगों को मोबाइल एप्लीकेशन में, ना ही आप लोगों को वेब पोर्टल पर, कहीं पर भी L0 बायोमेट्रिक से रिलेटेड स्पाइस मनी की तरफ से प्रतिक्रिया देखने के लिए नहीं मिलेगा आप लोगों को। हालांकि यहां पर स्पाइस मनी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया है, जिससे कि सभी स्पाइस मनी अधिकारी समय रहते अपने L0 बायोमेट्रिक मशीन को अपग्रेड कर लें। बेसिकली देखिए पे नियर बाय की तरफ से सबसे पहले नोटिफिकेशन आया था कि 30 जून 2024 तक जितने भी L0 बायोमेट्रिक मशीन है वो काम नहीं करेंगे, यानी कि लगभग सभी सीएसपी संचालकों को L0 बायोमेट्रिक मशीन से L1 बायोमेट्रिक मशीन में अपग्रेड करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद फिर से पे नियर बाय की तरफ से डेट में संशोधन किया गया, जिसमें यह बताया गया कि 31 मार्च 2024 तक L0 बायोमेट्रिक मशीन काम करेंगे, इसके बाद काम नहीं करेंगे, यानी कि सबको L0 से L1 बायोमेट्रिक मशीन में अपग्रेड करना पड़ेगा। यह तो चलिए ठीक रहा, लेकिन इसके बाद फिर से पे नियर बाय की तरफ से डेट में चेंजेस किया गया, जिसमें 30 जून 2024 की डेट फिर से बताया गया। तो यहां पर सीएसपी संचालकों को थोड़ा सा भ्रमित कर दिया यह अपडेट, ठीक है, पे नियर बाय की तरफ से, जो कि पहले जो है कि 30 जून था, फिर 31 मार्च हो गया, फिर से 30 जून चला गया, तो यहां पर लोगों का थोड़ा सा भरोसा उठ गया। लोगों को यह लगा कि पता नहीं ये मजाक चल रहा है या फिर क्या चल रहा है, कभी आगे कभी पीछे डेट यहां पर बताया जा रहा है पे नियर बाय की तरफ से। लेकिन अब इस पर स्पाइस मनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है सीएसपी संचालकों के लिए, स्पाइस मनी अधिकारियों के लिए। बेसिकली देखिए यहां पर जो डेट की अगर मैं बात करूं, जो 30 जून 31 मार्च पे नियर बाय की तरफ से दिया गया था, इन टाइम ड्यूरेशन में पे नियर बाय ने काफी ज्यादा L0 बायोमेट्रिक मशीन बेचे, क्योंकि अभी पे नियर बाय की तरफ से स्टार्टेक का जो बायोमेट्रिक मशीन मिल रहा है, यह बायोमेट्रिक मशीन बता दें कि 3500-3600 रुपए में मिल जा रहा है, लेकिन यहीं पर जब सीएसपी संचालक L1 बायोमेट्रिक मशीन लेने फ्लिपकार्ट अमेजन पर जाता है तो 5000-6000 रुपए का मिल रहा है। तो यहां पर जो पे नियर बाई का रिटेलर है, जो पे नियर बाई का सीएसपी संचालक है, वो तो जाहिर सी बात है कि पे नियर बाई से ही बायोमेट्रिक मशीन खरीदेगा 3500-3700 रुपए का, वो तो 4000-6000 रुपए लगाने जाएगा नहीं। तो यहां पर जिनके पास स्पाइस मनी का सीएसपी था, स्पाइस मनी का आईडी था, वो लोग कहां से डिवाइस परचेस करें, ये बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन अब देखिए स्पाइस मनी की तरफ से भी L0 बायोमेट्रिक मशीन पर जो है कि प्रतिक्रिया आ चुका है। बेसिकली यह जो अपडेट है, यह जो नोटिफिकेशन है, आप लोगों को ना ही वेब पोर्टल पर मिलेगा, ना ही स्पाइस मनी एप्लीकेशन पर मिलेगा। बेसिकली ये जो अपडेट है स्पाइस मनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने यहां पर जो है कि स्पाइस मनी का जो कि ऑफिशियल चैनल पर मैंने यहां पर देखा था, जिसमें यह बताया गया था कि स्पाइस मनी का जो कि नया अपडेट आया हुआ है, इस अपडेट के तहत सीएसपी संचालकों को 30 जून 2024 तक जितने भी L0 बायोमेट्रिक मशीन है उन्हें L1 में अपग्रेड करना होगा, ठीक है। अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप जो है कि पैसा नहीं निकाल पाएंगे। आप लोगों को समय रहते L0 बायोमेट्रिक मशीन से L1 में अपग्रेड करना होगा। अभी तक देखिए स्पाइस मनी अधिकारियों को इसी नोटिफिकेशन का, इसी ऑफिशियल न्यूज का इंतजार था कि स्पाइस मनी की तरफ से कब ये अपडेट आ जाए। तो बेसिकली बता दें कि स्पाइस मनी चैनल को जैसे ओपन करेंगे तो वीडियो सेक्शन में जाएंगे, तो अभी के कंडीशन में देख लीजिए आज से 5-6 दिन पहले एक वीडियो आया होगा L1 डिवाइस से रिलेटेड, यानी कि स्पाइस मनी, इसमें यह बताया गया है, वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूं, वीडियो में यह बताया गया है कि L1 डिवाइस अब स्पाइस मनी पोर्टल सपोर्ट करता है, और 30 जून 2024 तक सभी स्पाइस मनी अधिकारियों को L1 बायोमेट्रिक मशीन में अपग्रेड करना पड़ेगा। और L1 बायोमेट्रिक मशीन आप लोगों को स्पाइस मनी के थ्रू ही मिल जाएगा, स्पाइस मनी के वेब पोर्टल में लॉगिन करके वहां से बायोमेट्रिक मशीन ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही चीप प्राइस में मिल रहा है। अगर फ्लिपकार्ट अमेजन की बात करें तो वहां पर आप लोगों को काफी ज्यादा महंगे में डिवाइस देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को मॉर्फो डिवाइस लेना है, मॉर्फो डिवाइस अगर आप लोग को कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, फ्लिपकार्ट अमेजन पर काफी ज्यादा महंगा मिल रहा है, तो आप लोग मॉर्फो का जो ऑफिशियल वेबसाइट है rdservicemorpho.com, तो वहां से आप लोग जो है कि जो L1 बायोमेट्रिक मशीन है मॉर्फो का, उसे बाय कर सकते हो। वो टोटल आप लोग का अभी फिलहाल देखिए आरडी सर्विस की मैं बात करूं तो मॉर्फो में आरडी सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अभी मिल रहा है, ठीक है। ये ऑफर चल रहा है कि आप लोग को 3776-3777 रुपये में L1 बायोमेट्रिक मशीन मॉर्फो का मिल जा रहा है, तो आप लोग वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से एक नया नोटिफिकेशन मिला होगा, एक नया अपडेट मिला होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ।